नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिल्मी वाणी पर। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ थलापति विजय की मूवी बिगिल से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और साथ ही साथ जानेंगे इस मूवी के बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के साथ बने रहें। दोस्तों बिगिल मूवी एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 25 अक्टूबर साल 2019 को। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एटली कुमार ने, जिन्होंने मात्र 4 फिल्में डायरेक्ट करी हैं जिसमें से 3 फिल्में उन्होंने जोसेफ विजय के साथ हैं। वे फिल्में हैं थेरी, मार्शल और बिगिल। वहीं दोस्तों इस मूवी को प्रोड्यूस किया था कलापति एस गणेश और सुरेश ने, और दोस्तों इस फिल्म में म्यूजिक दिया था एआर रहमान ने। दोस्तों इस फिल्म की स्टोरी स्क्रीन प्ले फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार ने ही लिखा था। वहीं दोस्तों इस फिल्म में नजर आए थे विजय, नयनतारा, जैकी श्रॉफ, काथिर, विवेक, डैनियल बालाजी, योगी बाबू, आनंद राज और अर्जुन बाजवा जैसे बेहतरीन कलाकार। दोस्तों बिगिल मूवी को IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी को बनाने का खर्च आया था 150 करोड़ रुपए और इस मूवी ने टोटल 304 करोड़ की कमाई करी थी, जिसमें से इस मूवी का इंडिया का नेट कलेक्शन था 180 करोड़ रुपए और दोस्तों ये मूवी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। वहीं दोस्तों ये मूवी साल 2019 में तमिल फिल्मों में कमाई करने के मामले में पहले नंबर पर थी। दोस्तों उस साल तमिल फिल्मों में दूसरे नंबर पर मूवी थी रजनीकांत की पेट्टा और तीसरे नंबर पर मूवी थी अजीत कुमार की विश्वासम। वहीं अगर साउथ फिल्मों की बात करें यानी तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ सभी भाषाओं को मिला दें तो बिगिल मूवी कमाई करने के मामले में दूसरे नंबर पर थी। दोस्तों उस साल साउथ फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी साहो, दूसरे नंबर पर मूवी थी बिगिल, तीसरे नंबर पर मूवी थी सायरा नरसिम्हा रेड्डी, चौथे नंबर पर मूवी थी पेट्टा और पांचवें नंबर पर मूवी थी महर्षि। दोस्तों उस साल बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी वॉर, तेलुगु में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी साहो, तमिल में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी बिगिल, कन्नड़ में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी कुरुक्षेत्र और मलयालम में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी थी लूसीफर। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। दोस्तों बिगिल एक तमिल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में मतलब है बिगुल अर्थात सिटी। दोस्तों इस फिल्म की अनाउंसमेंट 14 नवंबर 2018 को की गई थी। ये मूवी विजय सर की 63rd मूवी थी, इसलिए शुरुआती समय में इस फिल्म का इनिशियल टाइटल थलापति 63 दिया गया था। जनवरी 2019 से इस फिल्म की फोटोशूट और शूटिंग स्टार्ट हुई थी जो कि अगस्त 2019 तक चली थी। फिल्म के पोस्टर और टाइटल को 22 जून 2019 को रिवील किया गया था। दोस्तों इस फिल्म के प्री प्रोडक्शन का काम 29 नवंबर 2019 से चालू हुआ था और फाइनली इस मूवी को 25 अक्टूबर साल 2019 को बिगिल नाम से रिलीज किया गया था। इसी नाम से इस फिल्म को कन्नड़ में भी डब करके रिलीज किया गया था, जबकि तेलुगु में इस फिल्म को विसल नाम से डब करके रिलीज किया गया था। दोस्तों बिगिल मूवी को दिवाली के ओकेशन पर रिलीज किया गया था। ये एक बड़ा दिन था, लिहाजा इस दिन और भी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी। इसी दिन हाउसफुल 4, मेड इन चाइना और सांड की आग जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं, लेकिन इस मूवी का मेन क्लैश हुआ था तमिल के सुपरस्टार कार्थी की मूवी कैथी से। दोस्तों कैथी मूवी भी कार्थी सर की एक मच अवेटेड मूवी थी। इन दोनों फिल्मों का बस काफी ज्यादा था और इन दोनों फिल्मों ने काफी अच्छी कमाई करी थी। दोस्तों बिगिल मूवी को टोटल 4200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था, जिसमें से तमिलनाडु में इस फिल्म को 700 स्क्रीन्स, कर्नाटक में इस फिल्म को 400 स्क्रीन्स, केरल में इस फिल्म को 300 और नॉर्थ इंडिया में 200 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था। इसके अलावा काफी सारी स्क्रीन्स इस फिल्म को ओवरसीज मार्केट में दी गई थी। ये मूवी लगातार 100 दिनों तक कई थिएटर्स में चलती रही थी। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों इस फिल्म के लिए विजय सर ने 50 करोड़ की फीस चार्ज करी थी। दोस्तों शुरुआती समय में ये खबरें आ रही थी कि इस फिल्म को मोहन राजा या पेरा रासू डायरेक्ट करने वाले हैं, लेकिन फाइनली इस फिल्म को एटली कुमार ने ही डायरेक्ट किया था। विजय सर की ये तीसरी मूवी है जिसको एटली कुमार ने डायरेक्ट किया था। दोस्तों इस फिल्म में विजय सर के अपोजिट नयन तारा को कास्ट किया गया था और ये तीसरी बार था जब ये दोनों साथ काम करते हुए नजर आए थे। इसके अलावा विजय सर की ये तीसरी मूवी है जिसमें एआर रहमान साहब ने अपना म्यूजिक दिया है। साथ ही साथ विजय सर की ये तीसरी मूवी है जिसको दिवाली के दिन पर रिलीज किया गया था। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जिस दिन इस फिल्म के ट्रेलर को रिलीज किया गया था उस दिन एक घंटे में इस फिल्म के ट्रेलर को 1 मिलियन लोगों ने लाइक किया था और इस मूवी ने उस समय सबसे जल्दी 1 मिलियन लाइक्स पाने का रिकॉर्ड बनाया था। इस फिल्म के ट्रेलर को 14 घंटे में 14 मिलियन लोगों ने देखा था। दोस्तों 4 दिन में इस फिल्म के ट्रेलर को 20 लाख लोगों ने लाइक किया था और इस मूवी ने लाइक के मामले में शाहरुख खान की मूवी जीरो को काफी पीछे छोड़ दिया था। उस मूवी के टीजर को 5 दिन में मात्र 1.9 मिलियन लोगों ने ही लाइक किया था।
फैक्ट नंबर 5, दोस्तों फिल्म का म्यूजिक दिया था एआर रहमान साहब ने, जो कि विजय की मूवी सरकार और मार्शल में भी अपना म्यूजिक दे चुके थे। दोस्तों फिल्म के एक गाने में विजय सर ने भी अपनी आवाज दी थी। साथ ही साथ इस फिल्म में एक गाना था सिंघा पहने। दोस्तों इस गाने में फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार और फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर एआर रहमान भी नजर आए थे। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों बिगिल एक स्पोर्ट ड्रामा फिल्म थी। फिल्म में जितने भी फुटबॉल वाले सीन्स थे उन सभी सीन्स को हॉलीवुड के स्पोर्ट्स कोरियोग्राफर एमी और जस्टिन स्कीनर ने शूट किया था। ये दोनों इससे पहले हॉलीवुड की फिल्म 30 रीजंस वाई, मिलियन डॉलर्स आर्म्स और बर्थ ऑफ लेजेंड जैसी फिल्मों के लिए काम कर चुके हैं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस फिल्म ने बैंगलोर की काफी सारी फैमिलीज को फुटबॉल के लिए इनकरेज किया है। बैंगलोर के एक कोच का कहना है कि बिगिल मूवी के रिलीज होने के बाद काफी सारे लोगों ने फुटबॉल में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। यहाँ तक कि काफी सारी लड़कियों ने इस फिल्म से इंस्पायर्ड होकर फुटबॉल क्लब में एडमिशन लिया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों फिल्म के रिलीज होने के बाद साउथ के एक जाने माने डायरेक्टर नंदी चिन्नी कुमार ने एटली कुमार पर एक एलिगेशन लगाया था। उनका कहना था कि एटली कुमार ने उनकी फिल्म इस्लम सॉकर की स्टोरी को कॉपी किया है, लेकिन बाद में एटली कुमार ने उन्हें गलत साबित कर दिया था। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों फिल्म के सेट पर 400 टेक्नीशियंस काम कर रहे थे और जिस दिन फिल्म की शूटिंग कंप्लीट हुई थी उस दिन विजय सर ने अपने हाथों से सभी टेक्नीशियंस को एक एक सोने की अंगूठी दी थी। फैक्ट नंबर 10, दोस्तों फिल्म के वीएफएक्स पर काम किया था अजय देवगन की वीएफएक्स कंपनी वीएफएक्स वाला ने, जिसने विजय सर की पिछली मूवी मार्शल और थेरी का भी वीएफएक्स काम देखा था। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों फिल्म में विजय सर ने दो किरदार निभाए थे, एक माइकल का और दूसरा रयप्पा का। फिल्म के एक सीन में रयप्पा शर्मा से ये पूछते हुए नजर आते हैं कि लिस्ट में माइकल का नाम क्यों नहीं है। इस पर शर्मा एक सिचुएशन बताते हैं। दोस्तों ये सेम सीन एटली कुमार की पिछली मूवी थेरी में भी देखने को मिला था। फैक्ट नंबर 12, दोस्तों पहले फिल्म में एक सीन रखा गया था जहां पर शर्मा दीना को माइकल से गद्दारी करने के लिए बोलता है, लेकिन दीना इस बात से मना कर देता है। दोस्तों इस सीन को पहले इस फिल्म में रखा गया था, लेकिन बाद में फिल्म के मेकर्स ने इस पूरे सीन को फिल्म से हटा दिया था। फैक्ट नंबर 13, दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सन 2000 के बाद विजय सर की जितनी भी फिल्में रिलीज हुई हैं सबके टाइटल वन वर्ड में ही होते हैं, जैसे कि थेरी, थुपक्की, मार्शल, सरकार, बिगिल, पुली, भैरवा और वगैरह वगैरह। सिवाय दो फिल्मों को छोड़कर वे फिल्में हैं पुड़िया गीताई और अजागिया। दोस्तों ये दोनों ही फिल्में फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद से विजय सर की फिल्मों के वन वर्ड टाइटल दिए जाते हैं। उनकी एक फिल्म आई थी थलाइवा, इस फिल्म का पहले नाम था इलिया थलाइवा, लेकिन बाद में मेकर्स ने इस फिल्म का नाम थलाइवा कर दिया था। इसी चीज को ध्यान में रखकर इस फिल्म के टाइटल को भी वन वर्ड में ही रखा गया था। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों फिल्म में एक छोटी सी गलती भी थी। फिल्म के एक सीन में विजय ट्रेन में चढ़ते हुए नजर आते हैं और उस समय उनका लेफ्ट पैर आगे होता है, लेकिन जिस समय वे ट्रेन पर चढ़ते हैं तो उस समय फिल्म के सीन में उनका राइट पैर आगे दिखता है। ये एक छोटी सी गलती थी इस फिल्म में। फैक्ट नंबर 15, दोस्तों फिल्म में माइकल और थंडरल दोनों की जर्सी का नंबर सेम रखा गया था। इन दोनों की जर्सी का नंबर 5 था। इसके अलावा फिल्म में कातिर और विम्बू की शर्ट पर 63 नंबर लिखा हुआ था, जो कि विजय सर की टोटल फिल्मों के नंबर को डिनोट कर रहा था। फैक्ट नंबर 16, दोस्तों फिल्म में रयप्पा वाले किरदार के लिए सबसे पहले बाहुबली के कटप्पा यानी कि सत्यराज को अप्रोच किया गया था, लेकिन सत्यराज उस समय अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी थे, इस वजह से वे इस फिल्म में काम नहीं कर पाए थे। इसी बीच एटली को ये लगा कि क्यों ना इस रोल के लिए विजय को ही साइन कर लिया जाए। इस बारे में उन्होंने विजय से बात करी और विजय को भी ये आइडिया बहुत पसंद आया। इसके बाद विजय इस फिल्म में डबल रोल में नजर आए थे। दोस्तों विजय की ये चौथी मूवी थी जिसमें उन्होंने डबल रोल निभाया था। इससे पहले वे अजाजिया और कत्थी में भी डबल रोल में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा मार्शल मूवी में उन्होंने ट्रिपल रोल निभाया था। फैक्ट नंबर 17, दोस्तों जिस समय इस फिल्म के पोस्टर को ट्विटर पर रिलीज किया गया था उस समय 200,000 लोगों ने इस फिल्म के पोस्टर को लाइक किया था। इस फिल्म के पोस्टर ने ट्विटर पर बेंचमार्क सेट किया था। इससे पहले किसी भी फिल्म के पोस्टर को इतने सारे लाइक्स और रिट्वीट नहीं मिले थे। फैक्ट नंबर 18, दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ था। जिस समय इस फिल्म के म्यूजिक को लॉन्च किया गया था उस समय इस फिल्म के म्यूजिक ने सारी टीआरपी के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे, जहां पर कप्पन मूवी को 3.91, एनवीपी को 6.59, पेट्टा मूवी को 8.8 और सरकार मूवी को 12.31 की टीआरपी मिली थी। वहीं पर बिगिल मूवी के म्यूजिक एल्बम को 12.86 की टीआरपी मिली थी, जो कि तमिल में अब तक की हाईएस्ट है। फैक्ट नंबर 19, दोस्तों ये पहली तमिल मूवी थी जिसे आईमैक्स में रिलीज किया गया था। इससे पहले तमिल की किसी भी फिल्म को आईमैक्स फॉर्मेट में नहीं रिलीज किया गया था। हालांकि 2.0 मूवी को आईमैक्स में रिलीज करने की प्लानिंग थी, लेकिन एंड टाइम पर ये प्लानिंग फेल हो गई थी। फैक्ट नंबर 20, दोस्तों इस फिल्म में जैकी श्रॉफ विलन के किरदार में नजर आए थे। उन्होंने 10 सालों के बाद तमिल फिल्मों में अपनी वापसी करी थी।
उनकी आखिरी तमिल फिल्म थी अरण्या कंदाम, जो कि साल 2010 में रिलीज हुई थी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने बिगिल मूवी देखी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको ये मूवी कैसी लगी थी। अगर आपने ये मूवी अभी तक नहीं देखी है तो ये मूवी आपको अमेजन प्राइम पर इंग्लिश सबटाइटल के साथ मिल जाएगी, वरना थोड़ा इंतजार कर लीजिए, ये मूवी जल्द ही आपको हिंदी में जरूर देखने को मिलेगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।